देखा, अच्छा हुआ ना मम्मी पापा पास ले, तुम्हें भूख लगी हुई ना? मुझे भूख नहीं है एक्चुअली, आप खा लो रमन। अरे ऐसा क्या हो गया? आप मुझे खाना नहीं है ना भूख रमन। अरे इशिता, इशिता ऐसा क्या हुआ है यार, भूख नहीं? अच्छा मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी, चलो मुझे खिला दो। रमन ना मुझे खाना खाना है ना खिलाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? थोड़ा स्पेस दो ना मुझे प्लीज, रियली सॉरी, एक्सक्यूज मी। इशिता शगुन के सारत में बेचारी कितनी डरी हुई होगी। आई हैव टू टॉक टू अभिषेक। ये सब क्या क्या है? जी शी इज एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी, मैंने उसे अपने घर पर रख लिया। पर तुम लोग कहाँ थे पूरी शाम? मैंने कितना फोन कॉल ट्राई किया तुम लोगों को, तुम्हें पता है? तुम्हें प्रतीक को, तुम लोग का फोन नहीं लग रहा, अनरीचेबल है। कितना परेशान हुई मैं तुम लोग को, इस बात का आइडिया है? याद है कि शकुन ने कितनी बार ट्राई किया है, तो मालूम है कि क्या का क्या हो सकता था? जी काम डाउन, मैं एक इंपॉर्टेंट मिशन पे गया हुआ था और मेरा वहां पर नेटवर्क नहीं था। लेकिन जब मैंने मिस कॉल्स देखी तो आई कॉल्ड यू बैक, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? डोंट वरी, थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल। Nothing is under control. अशोक खन्ना को मालूम क्या सब कुछ? तुम्हें मालूम ने सारा ड्रामा किसने किया था? अशोक खन्ना के लिए, उससे पता लग गया सब कुछ। अब क्या होगा? हमें खबर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता लगा, और अशोक खन्ना अब तो वो कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, वो रमन के अंकल खिलाफ। आई डोंट नो वो क्या करेगा। No. अब मे बी यू पीपल जस्ट डोंट केयर। तुम्हें प्रतीक को, तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, तुम लोगों को वो फिक्र नहीं है, मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन having said that, situation अभी भी इतनी खराब नहीं है। ब्लैकमेल करने वाला है, उसे टॉर्चर कर देगा वो तो उस बेचारी को। इशिता जी, संभालिए अपने आप को। हम उसे ऐसी जगह रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। और फिलहाल मुझे लगता है आपको ऊपर जाना चाहिए, सोना चाहिए। अशोक का क्या करना है ये हम कल सुबह डिस्कस करेंगे। I'm really sorry, अभिषेक। मैंने इतना ज्यादा चिल्लाया है तुम पे। It's just not fair. तुम लोग इतनी हेल्प कर रहे हो और मैं I'm sorry. Don't worry. Because I just want you to understand कि इस प्लान में हम साथ हैं और रमन की जान बचाना हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए। इशिता को भी तो मुझसे बात भी नहीं करनी थी, स्पेस चाहिए थी। फिर अगर अभिषेक के साथ बातें करें, वो क्या रहा है उसे? मैं स्ट्रेस के कारण अजीब सा बिहेव कर देती हूँ। But I didn't mean to hurt you, Raman. Are you okay? No, I'm not. मैं तुमसे बार बार पूछता रहा कि इशिता बात क्या है। तुमने मुझसे बात नहीं की, लेकिन बाहर जाके अभिषेक से बात कर सकती, अपनी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं बता सकती। Look, I understand कि कभी कभी फैमिली से ज्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बातें होती है जो परिवार से नहीं की जाती, दोस्तों से की जा सकती है, लेकिन हम पहले दोस्त थे ना, फिर पति पत्नी। कैसी बात सोच रहे हो? आप
आप इस बात पे क्यों बुरा मान रहे हो? बुरा? अपनी आंखों से देख चुका हूँ यार। लेकिन ये बात वैसी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। रमन, रमन, आपको अगर ये लग रहा है कि मैं आपसे ज्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल हो सकती हूँ तो ये गलत है। रमन, यू आर, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कोई नहीं। लेकिन रमन, आप मेरे लिए, I don't know, मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक से हम दूर होते जा रहे हैं। तुम रमन, no, और मुझे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। एक काम करो। कुछ नहीं, आप बस मलाई खाओ, बस बस। मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके। बाला, क्या बात है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बाला, सूरज के बारे में सोच रहा हूँ ना, तो ये काम कल नहीं कर सकते। नहीं कर सकता बंधु, जब तक मैं उसके नुकसान के पैसे उसके मुंह पे नहीं मारूंगा ना, मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। पर बाला, क्या जरूरत है, उसे नहीं चाहिए हमारे पैसे। आई मीन, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना बंधु, मेरी औकात नहीं है क्या? बाला, प्लीज 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 बंधु, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी एटीएम जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए, उसके नुकसान के पैसे उसे देकर आऊंगा, तभी जाकर मैं चैन से सो पाऊंगा। मैं चलूं तुम्हारे साथ? अब ये लो सूरज, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी गाड़ी डैमेज करने के। मैं पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? इट वॉज माई फॉल्ट, यू हैव टू टेक दिस मनी। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे, एक्सक्यूज मी, रखो इन्हें। चलो बाला। अंधे हो गए हो तुम? देख कर नहीं चल सकते? इट्स ओके सूरज, मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे ही टर्न हो गई। इट्स फाइन। वंदिता जी, आप प्लीज हमारे गेस्ट रूम का वॉशरूम यूज कर लीजिए। नो, इट्स ओके। नहीं प्लीज, जाओ, मैम को गेस्ट रूम दिखाओ। थैंक यू। शो क्या है? एनीवे, मैं फटाफट निकलती हूँ। छोड़ूंगा नहीं, तो है मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं। जगन, तुम जिंदा हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जगन, तुम जिंदा हो, सब जानता हूँ, धोखा हुआ मेरे साथ।